वेलकम टू स्टडी थ्री वाई। आज है 22 सितंबर 2019 और 22 सितंबर 2019 से करेंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से अलग से भी जानकारी देंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस क्वेश्चन के PDF फाइल आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो अभी हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बजरंग पुनिया ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं इमेज में यही बजरंग पुनिया है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि बजरंग पुनिया किस देश के हैं? तो भारत देश के हैं। और इसे भी और क्वेश्चन बनता है कि जो विश्व कुश्ती 2019 किस देश में खेला गया है? तो ये कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में खेला गया है। इसे और भी जानकारी आपको मिलती है कि बजरंग पुनिया ने किसको हराया? तो बजरंग पुनिया ने अभी तुलगा तुमुर ओचिर को हराया। और तुलगा तुमुर ओचिर किस देश के रहने वाले हैं? तो मंगोलिया के हैं। और किसके लिए कांस्य पदक जीता? तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में यह कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो के टारगेट रखते हैं 20 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही ना हो, आपके लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं इमेज, और यह जो दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि विश्व भर में शांति की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC भारत के किस राज्य में सौर पार्क की स्थापना करेगा? तो अभी हाल ही में भारत के गुजरात राज्य में सौर पार्क के NTPC ने स्थापना करेगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जब NTPC स्थापना करेगा तो NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NTPC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, जब इसे गुजरात में स्थापित किया जाएगा तो गुजरात के जो कैपिटल है गांधीनगर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल पाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IDBI बैंक के किसको उप प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में IDBI बैंक के सैमुअल जोसेफ को नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे और क्वेश्चन भी बनता है कि IDBI बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बैंक के जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं PM R. Kumar हैं, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल पाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने किसके खिलाफ चैंपियन अभियान शुरू किया? यानी अभी हाल ही में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने डेंगू के खिलाफ चैंपियन अभियान शुरू किया, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इमेज देख सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल हैं। जब वहाँ के CM हैं तो उप जो राज्यपाल कौन है? तो उप राज्यपाल है अनिल बैजल। अनिल बैजल दिल्ली के उप राज्यपाल हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस डच खिलाड़ी का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में फर्नांडो जो डच खिलाड़ी है इनका निधन हुआ है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो फर्नांडो है ए फुटबॉल खिलाड़ी है, इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। और ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में स्किल इंडिया ने AI में ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके लिए चार ऑप्शन है,
इस ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दें। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।